पिक्चर है, सेंसर बोर्ड ने पास किया है, कोई सेंसर बोर्ड वाले बेवकूफ है क्या जो ये मदरचोद पॉलिटिकल वाले लफड़ा करते हैं। आज बॉक्स ऑफिस में पठान को 23वां दिन स्टार्ट है और अभी भी पठान का क्रेज कम होने का नाम नहीं लगा। मानो पठान ने इतिहास में हिस्ट्री बना दिया है। पठान मूवी अब तक 1000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुकी पूरे वर्ल्ड वाइड में। गाइस आपको फ्राइडे को एक और बड़ा जंप देखने को मिलेगा। अगर आप अभी भी मूवी देखने नहीं गए हो तो आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। फिल्म्स के मेकर ने और YRF ने स्पेशली आपके लिए एक फैसला डिसीजन लिया गया। जब आपको पता पठान मूवी फ्राइडे को रिलीज हुई थी तो फ्राइडे पठान मूवी का रिलीजिंग दिन होता है, तो इसके लिए फ्राइडे को आप सब लोगों को एक ऑफर दी जा रही। केवल आपको टिकट्स 110 रुपए में मिलेंगे कल के दिन। जी हाँ गाइस, जल्दी जाओ, बुक करो, एंजॉय करो। और गाइस मैं आपको पक्का बोल रहा हूँ, कल बॉक्स ऑफिस पे धमाल मच जाएगा। कल के दिन बॉक्स ऑफिस में बहुत सारे टिकट सोल्ड आउट होंगे और कल के दिन स्पेशली ऑफर 110 रुपए में आपको टिकट देखने को मिलेगा। कल के दिन पठान मूवी बहुत बड़ा जंप देखने को मिलेगा। कल के दिन पठान मूवी 15 से 20 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी पूरे वर्ल्ड वाइड में। सो बात करें पठान मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, यहाँ पे पठान मूवी 500 करोड़ हिंदी क्लब में एंट्री कर चुकी। जी हाँ गाइस, पठान मूवी ने केवल 22 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऐड करने के बाद पठान मूवी 511 करोड़ के हिस्ट्री को क्रॉस करने वाली, जो कि बाहुबली टक्कर लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हिंदी में। पठान मूवी अब तक KGF चैप्टर 2 का 434 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन केवल 15 दिन के अंदर तोड़ के एक नया रिकॉर्ड बना दिया था। अब सिर्फ बॉक्स ऑफिस पे बाहुबली 2 का रिकॉर्ड टूटना बाकी है। क्या पठान मूवी आज बॉक्स ऑफिस पे कमाई करके पठान मूवी का 511 करोड़ हिंदी कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ देगी? सो गाइस बेसिकली अब तक पठान मूवी बाहुबली 2 का भी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। कलेक्शन बहुत बढ़िया रहने वाला है। जो कंफर्म हमको न्यूज मिली है, पठान मूवी यहाँ पे 23वें दिन 510 करोड़ का हिंदी कलेक्शन कर चुकी पूरे वर्ल्ड वाइड में और इंडिया से 510 करोड़ कमा चुकी है। बाहुबली ने केवल 511 करोड़ लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, लेकिन पठान मूवी ने केवल 23 दिन के अंदर बाहुबली रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और पठान मूवी लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहेगा ये कोई नहीं जानता। अभी पठान मूवी को चाइना में रिलीज नहीं किया गया। जब पठान चाइना में रिलीज होगी तो फिर से एक दफा धमाल मचाएगी। वैसे आप लोग बताओ पठान मूवी लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना करेगी? 1200 करोड़, 1500 करोड़, कॉमेंट सेक्शन में बताना। सो गाइस पठान मूवी का बजट 250 करोड़ था, 250 करोड़ लगाने का पठान मूवी 1000 करोड़ कमा चुकी है। जबकि KGF चैप्टर 2 रॉकी यश की बहुत बड़ी मूवी थी। अगर आपने KGF चैप्टर 2 नहीं देखा तो क्रोम ब्राउजर पर जाओ, उधर सर्च करो KGF चैप्टर 2 फुल मूवी, आपको वहां से मिल जाएगी। KGF चैप्टर 2 एकदम धमाल मूवी थी यार, एकदम गोला बारूद, एकदम नेक्स्ट लेवल मूवी थी। KGF चैप्टर 2 ने लाइफ टाइम 1200 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। KGF चैप्टर 2 का बजट केवल 100 करोड़ था। पठान मूवी 250 करोड़ का बजट लगाने के बाद क्या 1500 या 1200 करोड़ कमा पाएगी? और बाहुबली भी एकदम नेक्स्ट लेवल मूवी थी। बाहुबली का बजट 250 करोड़ था, बाहुबली लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे 1250 करोड़ किए थे। RRR मूवी एक ब्लॉकबस्टर, बीटी ब्लॉकबस्टर, एटी ब्लॉकबस्टर मूवी थी जिसका बजट 550 करोड़ था, जिसने बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचा दिया था। बॉक्स ऑफिस पे RRR मूवी ने यहाँ पे 1200 करोड़ का कलेक्शन किया था वर्ल्ड वाइड में। सो क्या पठान मूवी इन सभी तीनों ब्लॉकबस्टर मूवी के लाइफ टाइम कलेक्शन को तोड़ पाएगी? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव।